हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डी एस ज्ञान दृष्टि। आज का जो मेरा वीडियो है वो आधारित है डेली करंट अफेयर्स, और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 26 अगस्त 2024 के 20+ एमसीक्यू करंट अफेयर्स और उसके आंसर। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को अंत तक देखकर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर पहले विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज पूरे भारतवर्ष में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जा रहा है, तो आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। भगवान कृष्ण सभी आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें और आपके सभी दुखों को हरे, यही हमारी शुभकामना है। तो आज का जो पहला प्रश्न है कि नेस्ले के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए पॉल वुल्के, ऑप्शन बी रेक्स टिलरसन, ऑप्शन सी उर्स रोहनर और ऑप्शन डी लॉरेन फ्रेक्स। तो प्रश्न संख्या एक का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी लॉरेंट फेरेविक्स, नेस्ले के नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं। प्रश्न संख्या दो है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। ऑप्शन से उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो प्रश्न संख्या दो, यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। यूपीएस की घोषणा परसों अर्थात 24 अगस्त 2024 की हुई थी। जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है वो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। प्रश्न संख्या तीन है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाए जाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन से तीन, ऑप्शन बी चार, ऑप्शन सी पाँच और ऑप्शन डी छः। तो प्रश्न संख्या तीन का सही जवाब हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिलों की बनाए जाने की घोषणा की गई है। इससे पहले लेह और कारगिल दो मतलब जिले थे लद्दाख में, अब यहाँ पे जिलों की संख्या 7 हो जाएगी। प्रश्न संख्या चार है कि विज्ञान धारा योजना किस विभाग के तहत आती है। ऑप्शन से ए कृषि और किसान कल्याण विभाग, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय। तो प्रश्न संख्या चार का सही जवाब हो जाएगा विज्ञान धारा योजना विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या पाँच है कि भारत के पहले रीयूजनेबल हाइब्रिड रॉकेट का सफल परीक्षण कहाँ किया गया। ऑप्शन से चेन्नई, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कटक और ऑप्शन डी हैदराबाद। तो प्रश्न संख्या पाँच का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए चेन्नई में। प्रश्न संख्या छः है कि एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है। ऑप्शन से स्वर्ण, ऑप्शन बी रजत, ऑप्शन सी कांस्य और ऑप्शन डी स्वर्ण और रजत दोनों। तो प्रश्न संख्या छः का सही जवाब ऑप्शन बी रजत पदक सिल्वर मेडल। प्रश्न संख्या सात है कि एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। ऑप्शन से पोलैंड में, ऑप्शन बी मालदीव में, ऑप्शन सी अमेरिका में और ऑप्शन डी जापान में। प्रश्न संख्या सात का सही जवाब ऑप्शन बी मालदीव में। प्रश्न संख्या आठ है कि पीएम मोदी ने किस राज्य में 11 लाख नई लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र वितरित किए हैं। ऑप्शन से उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो प्रश्न संख्या आठ का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र में। प्रश्न संख्या नौ है कि राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा स्थापित किए गए हैं। ऑप्शन से विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन बी बिजली मंत्रालय, ऑप्शन सी पर्यावरण मंत्रालय और ऑप्शन डी खान मंत्रालय।
प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी खान मंत्रालय। प्रश्न संख्या 10 है कि हाल ही में किस देश ने अपना पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट RHUMI-1 लॉन्च किया है। ऑप्शन से पाकिस्तान ने, ऑप्शन बी भारत ने, ऑप्शन सी नेपाल ने और ऑप्शन डी अफगानिस्तान ने। तो प्रश्न संख्या 10 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी भारत ने। प्रश्न संख्या 11 है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर NMR पोर्टल लॉन्च किया है। ऑप्शन से विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन बी कृषि मंत्रालय, ऑप्शन सी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और ऑप्शन डी ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। प्रश्न संख्या 12 है कि हाल ही में भारत की पहली महिला राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियन कौन बनी। ऑप्शन से बियांका कश्यप, ऑप्शन बी ऐश्वर्या पिसे, ऑप्शन सी पिपया मान और ऑप्शन डी डायना पुनडोले। तो प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी डायना पुनडोले, भारत की पहली महिला राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियन बनी है। प्रश्न संख्या 13 है कि हाल ही में कौन 5 साल के लिए फिर से लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चुने गए हैं। ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी चिराग पासवान, ऑप्शन सी मनोहर लाल खट्टर और ऑप्शन डी शिवराज सिंह चौहान। प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी चिराग पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी के 4 साल के लिए अध्यक्ष फिर से चुन लिए गए हैं। प्रश्न संख्या 4 है कि हाल ही में किसने निवेश द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा के लिए सिंगापुर में शीर्ष कॉरपोरेट नेताओं से मुलाकात की। ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी चिराग पासवान, ऑप्शन सी पीयूष गोयल और ऑप्शन डी शिवराज सिंह चौहान। प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब ऑप्शन सी पीयूष गोयल ने। प्रश्न संख्या 15 है कि हाल ही में किसने छत्तीसगढ़ के रायपुर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के रायपुर आंचलिक इकाई कार्यालय का ऑनलाइन उद्घाटन किया। ऑप्शन से नरेंद्र मोदी ने, ऑप्शन बी अमित शाह ने, ऑप्शन सी पीयूष गोयल ने और ऑप्शन डी शिवराज सिंह चौहान ने। तो प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब ऑप्शन बी अमित शाह ने। प्रश्न संख्या 16 है कि जलगांव रैली में किसने महिलाओं के खिलाफ अपराधों के खिलाफ सख्त कानून बनाने का संकल्प लिया। ऑप्शन से नरेंद्र मोदी ने, ऑप्शन बी अमित शाह ने, ऑप्शन सी पीयूष गोयल ने और ऑप्शन डी शिवराज सिंह चौहान ने। प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब ऑप्शन ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रश्न संख्या 17 है कि किसने ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली के उत्पादन के लिए भारत के साथ गठजोड़ की करने की बात की मांग की। ऑप्शन से जो बाइडेन ने, ऑप्शन बी व्लादिमीर पुतिन ने, ऑप्शन सी वोलोडिमिर जेलेंस्की ने और ऑप्शन डी ग्रेवियल अटल ने। प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब ऑप्शन सी यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने। प्रश्न संख्या 18 है किस बैंक ने महिला ग्राहकों के लिए ऑनी बचत खाता शुरू किया है। ऑप्शन ए एक्सिस बैंक ने, ऑप्शन बी बंधन बैंक ने, ऑप्शन सी सिटी बैंक ने और ऑप्शन डी ICICI बैंक ने। प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब ऑप्शन बी बंधन बैंक ने। प्रश्न संख्या 19 है कि किस रेलवे जोन ने नियमों तक आसान पहुंच के लिए प्रबोध चैट बॉक्स विकसित किया है। ऑप्शन से पूर्व रेलवे ने, ऑप्शन बी पश्चिम रेलवे ने, ऑप्शन सी दक्षिण रेलवे ने और ऑप्शन डी उत्तर रेलवे ने।
प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब ऑप्शन ए पूर्व रेलवे ने। प्रश्न संख्या 20 से किस तमिल अभिनेता ने हाल ही में अपनी पार्टी तमिलगा वेत्री कंजंगम लॉन्च की है? ऑप्शन से विजय ने, ऑप्शन बी विक्रम ने, ऑप्शन सी आर माधवन ने और ऑप्शन डी सूर्या ने। तो प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब ऑप्शन ए विजय ने। प्रश्न संख्या 21 से केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में किस शहर में CGST के आधिकारिक परिसर GST भवन का उद्घाटन किया है? ऑप्शन से ए उधमपुर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी उरी और ऑप्शन डी उज्जैन। तो प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब ऑप्शन बी उदयपुर में। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था 26 अगस्त 2024 के 20+ MCQ करंट अफेयर्स और उसके आंसर पे। तो आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप इस चैनल DS के अंदर स्टीव को पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें जिससे जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को एक बार फिर श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएँ और बधाई। आज पूरे भारतवर्ष में पूरे धूमधाम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जा रहा है, खासकर मथुरा में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।